लखनऊ और टुंडे के कबाब दरअसल एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। जैसे लखनऊ चिकन वर्क के लिए जाना जाता है, लखनऊ अपने अदब के लिए जाना जाता है, अपने शऊर के लिए जाना जाता है, वैसे ही लखनऊ जाता है टुंडे के कबाब के लिए। आप लखनऊ आए हैं और यहाँ कबाब नहीं खाए हैं तो ऐसा लगता है कि लखनऊ आप आए ही नहीं है। हमारे साथ है टुंडे कबाब के उस्मान भाई कैसे हैं? जब भी यहाँ आते हैं तो बिना कबाब खाए तो ध्यान नहीं देते यहाँ। क्या खासियत है, ऐसा क्या है जो इतने सालों से आपके कबाब सब कुछ अल्लाह की दी हुई अमानत है। अल्लाह ताला इतने मजा ना पैदा करता मसालों में, जायकों में, तो मजे कहाँ बना सकते हैं। ये बताइए, थोड़ा विचार बताइए ताकि दर्शकों को मालूम पड़े कि दुनिया के माध्यम से कैसे शुरू हुआ, आपके गुरुओं ने कैसे शुरू किया, कैसे छोटी शुरुआत हुई, यहाँ तक कैसे पहुँच गए चौक से लेकर अमीनाबाद तक। ये हमारे ग्रैंड फादर ने शुरू किया था 1905 में। वो पतंग के शौकीन थे, उनका हाथ पतंग उड़ाने में कट गया था, इस वजह से वो जो है कबाब एक हाथ से बनाते थे। उनका नाम बता दीजिए आप। हाजी मुराद अली तो बताइए उनका एक हाथ नहीं था, एक हाथ से ही कबाब बनाते थे। जब स्टार्ट हुआ तो 1 पैसे के 12 कबाब से स्टार्टिंग हुआ। 1 पैसे के 12 कबाब जी। कहाँ से शुरू हुआ? ये चौक से। ये तो अल्लाह का करम है। देखिए ऐसा है कि आदमी सच्चाई ईमानदारी से काम करता है तो अल्लाह की रहमत और बरकतें नाज़िल होती है उसके ऊपर। और मैं कहना चाहता हूँ कि सदाकत खुद ब खुद करती है शोहरत हर जमाने में। सदाकत खुद ब खुद करती है शोहरत हर जमाने में। क्या बात, मुनाफा चाहिए इतना जितना हो नमक खा लिया, और मुनाफा चाहिए इतना जितना हो नमक खा लिया। क्या बात है। ये बताइए आपके कबाब की खासियत क्या है, इनको बनाने का क्या तरीका है, सबसे अलग है तो स्वाद कहीं और नहीं आ पाता है। जो इसमें मसाले डालते हैं मसाले वगैरह नहीं ठीक है, जो डाइजेशन को सही रखते हैं, बदहजमी नहीं होगी, साइड इफेक्ट नहीं होगा, एसिडिटी नहीं बनेगी। दिन भर में आपके चौक और यहाँ अमीनाबाद मिलाकर कितने किलो रोटी कबाब बिक जाते हैं? कबाब तो छोटे छोटे होते हैं, वही 40-50 किलो आराम से बिक जाते हैं। 40-50 किलो दिन भर में बिक जाते हैं। और ये इसको बनाने का समय कितना लगता है? बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है। तरीका कुछ जो मसालों के अलावा? हाँ, थोड़ा सा तो समय लगता है, ज्यादा नहीं लगता है। आपकी बिरयानी भी बड़ी मशहूर है। आपकी दुआएं हैं, मोहब्बत है हमारी, हम जब तक जिंदा है हिम्मत करते रहेंगे। हम अपने मुल्क की, अपने देशवासियों की, अपने शहर की अल्लाह की तरफ है। हमें सौंपा है तो हम ईमानदारी से काम करें और अपने मुल्क के लिए दुआएं करें, हमारा मुल्क अच्छा बने, जो भी सरकार आए अच्छा काम करे, अच्छा सोच रखे, आपस में मोहब्बत रखे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहें। ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, यहाँ हर तरह के गुलदस्ते में फूल लगे होते हैं, वो अच्छा लगता है। आपने सरकार की और बात करी थी, तो यहाँ एक चुनाव का क्या माहौल लग रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए जिसकी भी सरकार आए, हमारा तो यही दुआ है कि जो भी सरकार आए किसी की भी आए अच्छा काम करे, अच्छा कार्य करे, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो है हर आदमी को काम बांट रखे हैं दुनिया में, और अच्छे से जो काम करता है वो अल्लाह की रहमत उसके ऊपर नाज़िल होती है, नहीं वरना अल्लाह के वहाँ सबको हिसाब देना पड़ेगा। ये आप एक ऐसे व्यवसाय में हैं जो सीधे रोज के कैश के हैंडलिंग से जुड़ा है, बहुत सारा नकद का लेन देन होता है। ये जो नोटबंदी हुई इससे आपके काम पे कुछ असर पड़ा क्या? असर तो पड़ा है थोड़ा, काम पड़ा है, मगर आ जाएगा। क्या इसके बाद लोगों ने ज्यादा क्रेडिट कार्ड से या पेटीएम से शुरुआत तो है, कैश भी होता है, पेटीएम तो नहीं हमारे पास, मशीन है, क्रेडिट कार्ड से होगा तो थोड़ा बहुत असर आया है काम का। असर आया तो भैया इतना बड़ा मुल्क है और एकदम से नोटबंदी, सबको जेब में कैश लेके चलने की आदत है। ठीक है, हम तो यही दुआ करते हैं कि आपके तमाम लोग खाकर लखनऊ के इसी तरह ये लखनऊ के टुंडे कबाब से हम लोग दुनिया के लिए खास पेशकश है, क्योंकि टुंडे के कबाब इतने ज्यादा मशहूर है कि जो भी लखनऊ आता है टुंडे कबाब को बाहर ढूंढते हुए चला आता है। तो उसमें मैं एक आखिरी बात जो भी पूछना चाहता हूँ कि और बहुत सारे लोग टुंडे कबाब खा रहे हैं परिवार में, लोग ज्यादा बढ़ जाते हैं,
वो अपना अपना खोल लेते हैं, लेकिन कई जो खाने के शौकीन है ये भी कहते हैं कि चौक और यहाँ के कबाब में कुछ बात तुम्हारा नहीं है, ऐसा कैसे हो जाए आपकी दोनों दुकान को फर्क कैसे आ रहा है? जो नहीं है वहाँ पे जो बड़े का कबाब मिलता है, यहाँ मटन मिलता है, अब वो वहाँ पे जो है आज बनाते हैं, यहाँ पे बैठा बनता है, तो ये सब हो सकता है। लेकिन मसाला कुछ नहीं होता है, वो हमारे वालिद हैं बैठते हैं, अच्छा वाला उनकी बरकत है। वालिद साहब का नाम है रईस है, तकरीबन 80-85 साल की उम्र हो गई, और अभी मसालों का ध्यान वो खुद रखते हैं, इस तरीके से मसाले पड़ रहे हैं ध्यान रखते हैं, उनकी दुआएं हैं, बरकत है उनकी, सरपरस्ती है। तो उस्माद भाई के वालिद अभी ध्यान रखते हैं कि मसाले ठीक पड़े, यही शायद खासियत है कि स्वाद लगता बना रहता है। एक बड़ा फर्क जो उन्होंने खाने पीने के शौकीनों को बताया वो ये है कि चौक में जो है कॉफी भी चूल्हे पर पकते हैं और यहाँ पर गैस पर पकते हैं, तो हो सकता है स्वाद में जो फर्क आता है कबाब में वो इस वजह से आता हो, लेकिन शौकीनों के लिए दोनों ही खाने पीने के ठिकाने खुले हुए हैं। और मुझे लगता है कुछ लोगों ने मुझे ये प्रतिक्रिया दी थी, दोनों जगह कबाब में फर्क है, आज इस्मान भाई से पता लगा कि खाने के तरीके में फर्क है, फर्क आ जाता है, लेकिन दूसरे कबाब की तरह से लोग कबाब के जो शौकीन हैं उसका लोग दे रहे हैं। धन्यवाद।